अलग भाइयों, आज आपसे बताऊं, आपकी गाय भैंस अगर रिपीट कर रही है बार बार, या बकरी जो बार बार आपकी पशु रिपीट कर रही है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका देसी तरीका क्या है जो आपकी पशु रिपीट ना हो। वो एक बार में जब उसको आप सीमेन डलवाओ, सीमेन रखवाओ, AI करवाओ, वो सीमेन रख ले और आपकी गाय भैंस गर्भवती हो जाए, यानी कि प्रेगनेंट हो जाए आपकी गाय, और आपका जो डेयरी फार्म है आगे डेवलप कर, उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके से कर सकते हैं, आपको मैं बता दूँ, मैं आपको बताऊँगा, जीरो पैसा, बिल्कुल जीरो पैसे आप काम कर सकते हो, इस चीज़ को फॉर्मूला का आप अप्लाई कर सकते हो सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर। गारंटी फॉर्मूला है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैंने अपने पशु के ऊपर अप्लाई किया, गाय के ऊपर अप्लाई किया, जिसके रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन आया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं रोहित, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपको यहाँ पर फार्मिंग से रिलेटिव सही और सटीक जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी गाय बार बार रिपीट होती है, सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करना, उसको कहीं यूट्रस पर इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आप क्या करना, हल्दी पर डे आप उसको कम से कम 7 दिन तक कंटिन्यू 50 ग्राम सुबह हल्दी, 50 ग्राम शाम हल्दी, आप कच्चा हल्दी दो तो बेस्ट है, ड्राई यानी सूखा हल्दी जो पाउडर हल्दी आता है, ड्राई फॉर्म में आता है, आप उस हल्दी का भी यूज़ कर सकते हो। आप उसको 50-50 ग्राम सुबह शाम दें, ठीक है सर। अगर भैंस है तो आप उसको 150 यानी कि 100 ग्राम तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम। जिस अगर आपकी गाय ज़्यादा वेट में है तो आप उसको 100 ग्राम भी कर सकते हो। आपको उसी पर 7 दिन तक देना, ताकि उसके यूट्रस का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। उसके बाद क्या करना है किसान में, साथ साथ आपको एक रोटी लेनी है, रोटी जो वही रोटी जो हम लोग खाते हैं किसान में, रोटी एक रोटी लेनी है किसान भाई। उसके बाद आपको इसके ऊपर 20 ग्राम सरसों का तेल लगा देना है रोटी के ऊपर, साथ ही साथ गुड़ जो गुड़ होते हैं 25 से 30 ग्राम गुड़ भी लेनी है और रोटी के ऊपर रख देना है, और सिर्फ 5 कली लहसुन लेने हैं, जो 5 पीस, बस 5 पीस लहसुन लेके रोटी के ऊपर अच्छे से पीस के रख देना है। आप अपने गाय को खिलाओ कंटिन्यू 7 दिन जब अपने गाय को खिलाओ, आपकी गाय दोबारा जब हीट में आएगी वो 100% आपकी गाय गाभिन होगी। तो किसान भाइयों, मैं आपने बताया, आपको मैंने फॉर्मूला बताया, अब मैं बताऊँ तो इसको विस्तार में कैसे कैसे किस किस वजह से प्रॉब्लम होता है। किसान भाई, जब हमारी गाय बच्चा दे देती है, तो बच्चा देने के बाद क्या होता है कि चलो भाई आपने बच्चा, कभी कभी क्या होता है किसान, हम लोग मिस्टेक करते हैं कि हम उसको यानी कि बच्चेदानी यानी यूट्रस जो सफाई करने की जो लिक्विड होती है, जो दवाई होती है, काढ़ा होता है, हम उसको नहीं दे पाते। इस वजह से हमारे गाय को क्या होता है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन होता है, बच्चेदानी में जब वो इन्फेक्शन होता है तो आगे वो जनरेट नहीं कर पाती अपनी यानी कि जो उनकी गर्भधारण की जो होती है हीटिंग की टाइमिंग होती है, उसको जनरेट नहीं कर पाती, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है, चाहे आपकी गाय हो या भैंस हो। रियल इफेक्ट यही है कि आप जिस टाइम आपकी गाय ने बच्चा दिया, आपने उसका यूट्रस ढंग से सफाई नहीं करवा किया, उसको आपने काढ़ा नहीं दिया, उसको आपने ढंग से क्या बोलते यूट्रस साफ़ करने वाली मेडिसिन नहीं दी, आपने उसको ढंग से मान लो ट्रीटमेंट नहीं किया था, अगर किया भी है तो आप इस चीज़ को नोटिस करें, जो एक्सापार मेडिसिन होता है, एक्सापार जो बच्चेदानी साफ़ करने के लिए होता है, जहर वगैरह गिराने के लिए होता है, आप कोशिश करें उसको 15 से 20 दिन तक देने का, कम से कम 15 से 20 दिन तक अगर आप दे रहे हो एक्सापार, आप समझ जाओ आपके जो पशु का यूट्रस यानी बच्चेदानी और सफाई पूरी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि चलो भाई ठीक है, गाय ने बच्चा दे दिया, बात ख़त्म है, और उसको मैंने सब काढ़ा वगैरह भी पिला दिया, सब कुछ हो गया, चल ठीक है, दूध दे रही है। अब वहाँ पर हम लोग न्यूट्रिशन का उसको कमी करते हैं, जो उसको मिनरल्स विटामिन न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वहाँ पर हम उसकी कटौती कर देते हैं, ना उसको मिनरल्स देते ढंग से, ना उसका डिवॉर्मिंग करवाते हैं, डिवॉर्मिंग मतलब कीड़े मारने की दवाई, ना उसको हम कीड़े मारने की दवाई दे पाते हैं ढंग, ना उसको हम मिनरल्स मिक्सचर दे पाते हैं, ना उसको हम लीवर टॉनिक दे पाते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्या हो जाती है जो पशु के हमारे, जिस वजह से हमारी गाय जल्दी गाभिन नहीं हो पाती है, क्योंकि जो उसका न्यूट्रिशन कम हो जाता है, तो न्यूट्रिशन जिस टाइम उसका कम हुआ उस टाइम ऑटोमेटिकली वो पशु हिट में टाइम पे नहीं आएगी। तो कोशिश किया करें आप अपने गाय को, भैंस को, बकरी को मिनरल्स मिक्सर विटामिन पर डे एवरी डे कम से कम 50 से 100 ग्राम तक आप अपने पशु को दें, जिस वजह से उनका न्यूट्रिशन बराबर होगा और आपकी गाय गाभिन समय से होगी। किसान भाई, ये जो चीज़ है, ये जो फॉर्मूला है किसान भाई, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कभी भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँ आप इसको आज से ही अप्लाई कर दो, चाहे आपकी गाय गाभिन हो या ब्याह चुकी हो या ब्याहने वाली हो, कभी भी आप इसको कंटिन्यू रखो, इसको बंद मत करो। हाँ, लेकिन एक चीज़ में जरूर मेंशन करना, अगर आज आप जिस कंपनी का दे रहे हो मिनरल्स मिक्सर, अगली बार उस कंपनी का मिनरल्स मिक्सर चेंज कर देना, फिर अगली बार दूसरी कंपनी देना, फिर अगली बार तीसरी कंपनी देना, यानी चेंज कर करके उसको मिनरल्स मिक्सर आप फ्लेवर देना। ऐसा नहीं कि एक बार जो मिनरल्स मिक्सर हम दे रहे कंटिन्यू रेगुलरली हमें देना, ऐसा नहीं करना अपने किसान भाई, ये गलती सबसे बड़ी बात है। आप हर आपका बैग अगर ख़त्म होता है, पैकेट ख़त्म हुआ मिनरल्स मिक्सर का, आप क्या करो फिर उसको दोबारा चेंज कर दो, आपका रिजल्ट अच्छा आता जाएगा दिन पर दिन, और अच्छा होता जाएगा और ग्रो करता जाएगा आपके पशु।
साथ साथ अगर आप छोटे जो कैटल हैं, कैटल जो जिसको हम लोग बछड़ियाँ बोलते हैं, आप उसको अप्लाई करोगे तो आपकी बछड़ियाँ भी बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगी किसान भाइयों। अब बात करते हैं गाय के बच्चे देने के बाद हम सबसे पहले क्या करना है, डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग मतलब कीड़े मारने की दवाई हमें देना ही देना है किसान भाई। कीड़े मारने की जिस टाइम आप दवाई दे दोगे तो आप देखोगे आपके पशु का पूरा हेल्थ अच्छा हो चुका है। आज मैंने कीड़े मारने की दवाई दिया, 10 दिन रुक जाओ, फिर 10 दिन बाद एक बार कीड़े मारने की दवाई दे दो, यानी कि बड़े वाले जो पेट में कीड़े होते वो तो मर गए, उनके साथ साथ जो लार्वा होते हैं, जो छोटे छोटे अंडे होते हैं, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाएंगे। उसके बाद एक लीवर टॉनिक आपको अप्लाई कर देने किसान भाइयों। जिस टाइम आप लीवर टॉनिक अप्लाई करोगे आप अपने पशु का ग्रोथ खुद ब खुद देखोगे, आप जो उसको फीड बांडा दे रहे हो आपके पशु के ऊपर अच्छा लगेगा और आपकी गाय भैंस अच्छा ग्रो करेगी बकरियाँ। तो ये जो फॉर्मूला किसान भाइयों, प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट, आप इसको अप्लाई करें जिससे आप अपने पशु का रिकवर कर सकते हो और साथ साथ आप अपने पशु को फिर से दोबारा हिट में ला सकते हो, और जो पशु हिट में नहीं आ रहे वो हिट में आएगी और साथ साथ उनके साथ जो समस्या हो रही है वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो किसान भाई आपको कैसे लगे वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो किसान भाई तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आप लोग की प्यार दुआ से मैं यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से मैं चाहता हूँ कि अच्छे से गाइड करूँ जो आके आपका जो फार्म है डेयरी फार्म में और बहुत अच्छा डेवलप करें किसान भाइयों। तो किसान भाइयों मैं आपको जो फॉर्मूला बताया हूँ आप उसको प्रैक्टिकली आजमाएं, कोई दिक्कत परेशानी है, बस एक आपको रोटी लेना है, 20 ml सरसों का तेल लेना और 5 कली बस लहसुन लेना है, ठीक है किसान भाइयों। इसको अच्छे से 7 दिन सुबह शाम कभी भी आप इसको दे सकते हो, कभी भी 7 दिन तक आपको सिर्फ देना है हल्दी। कच्चा हल्दी मिल जाए तो अच्छा है, बहुत बेहतरीन है कच्चा हल्दी। अगर कच्चा हल्दी अगर आप नहीं दे पा रहे तो ड्राई फॉर्म में जो कच्चा हल्दी आता है, कच्चा हल्दी का जो पाउडर आता है, आप उसको 7 दिन तक सुबह शाम 50 ग्राम दे सकते हो। अगर आपकी गाय ज़्यादा वेट में तो आप उसको 100 ग्राम भी दे सकते हो, चाहे आपकी गाय नई ब्यात में हो या पुरानी ब्यात में हो, चाहे भैंस आपकी नई हो या पुरानी ब्यात में हो, या फिर अभी आप स्टार्टिंग हो रही है हीटिंग मारने के लिए, आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं है। साथियों आप जरूर कमेंट्स करें और वीडियो को सपोर्ट करें। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ फिर से नई वीडियो में, नई जानकारी आपके साथ लेके और नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो थैंक यू।